जासूसी मामले पर सियासी संग्राम जारी है। जासूसी मामले को लेकर कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन बड़ी खबर इस वक्त की। बड़ी खबर, पेगासस जासूसी मामले पर सियासी संग्राम जारी। जासूसी मामले को लेकर कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। जयपुर में कांग्रेस का राजभवन घेराव से पहले सिविल लाइन फाटक पर कांग्रेस की जनसभा। प्रदर्शन में पीसीसी चीफ, डोटासरा सहित सरकार के तमाम मंत्री होंगे शामिल। तो लगातार कांग्रेस पेगासस जासूसी मामले को लेकर हमलावर है इस वक्त। टकराव की पूरी तरीके से स्थितियां। पेगासस जासूसी मामले पर सियासी संग्राम जारी है। जासूसी मामले को लेकर कांग्रेस का देश भर में जहां पर प्रदर्शन जारी है। जयपुर में कांग्रेस का राजभवन घेराव, घेराव से पहले सिविल लाइन फाटक पर कांग्रेस की जनसभा। प्रदर्शन में पीसीसी चीफ डोटासरा सहित सरकार के तमाम मंत्री शामिल होंगे। तो पेगासस जासूसी मामले को पुरजोर तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है। सुशांत पारीख ब्यूरो हेड हमारे साथ जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, किस तरीके से आज प्रदर्शन होने वाला है? जासूसी की हमारे राष्ट्र के लोकप्रिय नेता, हमारे देखिए अभी तो सिविल लाइन फाटक पर सभा जो है वो शुरू हो गई है। मैं आपको तस्वीरें कुछ दिखा दूं, मेरे ठीक पीछे देखिए चिकित्सा मंत्री और राज्यसभा आवास में जोशी जो है, सुखराम बिश्नोई जो मंत्री हैं, तमाम नेता भी हैं। पीसीसी अध्यक्ष का इंतजार हो रहा है और एक एक करके ये लोग अपना भाषण देंगे और उसके बाद राजभवन के घेराव की तैयारी है। यहाँ से ठीक कहें तो 500 मीटर की दूरी पर राजभवन है और वहां तक जाने की कोशिश होगी। हम बात भी करेंगे। जिस तरीके से ये पूरा खुलासा हुआ है, सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सरकार जो है इसमें जांच के लिए तैयार है। ये देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। ट्रांसपेरेंसी इसी को कहते हैं। अगर इस तरह की घटना सामने आई है तो सरकार को उसकी जांच कराने में और देश की जनता को सच्चाई बताने में क्या तकलीफ है? जितना वो छुपाने की कोशिश करेंगे उतने ही आरोप पुख्ता है। यानी एक तरीके से प्रत्येक व्यक्ति देश का जो है इस जासूसी जो सॉफ्टवेयर है उसकी जद में है, प्राइवेसी कहीं नहीं बची है। देश की जनता असुरक्षा का भाव लेके जी रही है इस राज के अंदर। इस तरह की घटनाएं जब सामने आती है तब हर आदमी के अंदर एक भय व्याप्त हो जाता है, कोई किसी से बात करे या नहीं करे, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े लोगों को सर्विलेंस में लेके उनकी बातों का ब्यौरा आप सामने ले रहे हो तो कौन सुरक्षित है फिर देश के अंदर? ये दुर्भाग्य की बात है। लोकतंत्र का गला घोट दिया इन लोगों ने और इसको हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रघु शर्मा कह रहे हैं लोकतंत्र का गला घोट दिया है। प्रताप सिंह खाचरियावास भी हमारे साथ। प्रताप जी, राजभवन का घेराव करने वाले हैं, लगता है कि कांग्रेस सड़कों पर उतरी है तो सरकार तैयार होगी जांच के लिए? देखिए ये सरकार नकटी है। जब सरकार की आंख का पानी मर जाए ज्यादा उम्मीद बचती नहीं है। ये वो सरकार है जब कोरोना संकट में लाशों के ढेर लग रहे थे। खुद अशोक गहलोत ने ये कहा कि मैं भीख मांग रहा हूँ ऑक्सीजन की, मुझे राजस्थान में ऑक्सीजन दो। बीजेपी के नेताओं ने कहा 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कम मिल रही है, इसके बावजूद ऑक्सीजन का कोटा नहीं बढ़ाया। पूरे देश में ऑक्सीजन के अभाव में मौतें हुई है, सब जानते हैं। रघु शर्मा तीन मंत्रियों के साथ दिल्ली गए, तीन दिन बैठे रहे, लेकिन ऑक्सीजन नहीं बढ़ाई उन्होंने। जो सरकार मौतें टीवी पर दिख रही थी, चाहे वो जी न्यूज था चाहे और कोई चैनल था, उसके बाद भी वो कह रहे मौतें नहीं हुई, ये पाप। सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। सरकार को ना लाशें दिखती है, ना लोगों का दर्द, ना ऑक्सीजन के बिना जो तड़फ रहे थे उनकी तड़फन दिख रही है। सरकार जवाब देती है, ऑक्सीजन वो नहीं कर पाए, आगे हम करेंगे। वो झूठ बयान आपको वहां नहीं देना चाहिए। जिन ढंग से वो जासूसी कर रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। इस लिस्ट में तो केवल कांग्रेस के नहीं सभी नेताओं के नाम है, भाजपा के मंत्री भी हैं। यहाँ पर वसुंधरा राजे के पीए का भी नाम आया, तो लगता है कि कुछ और भी नामों का खुलासा होगा आने वाले दिनों में, और भी लिस्ट आएगी। देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। सरकार मनमानी पर आ गई है। केंद्र की मोदी सरकार को घमंड हो गया है। तानाशाही और जुल्म के जरिए झूठ बोलकर राजनीति करना चाहते हैं। जिस तरह की राजनीति बीजेपी कर रही है वो हिंदुस्तान में इस तरह की परंपराएं नहीं है। जासूसी करना, जासूसी करना चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। कुछ लोगों ने केंद्र की सत्ता पर कब्जा कर लिया, इसलिए मैं इतना कह सकता हूँ जो भी हो रहा है इस वक्त वो जनता की भावनाओं के खिलाफ हो रहा है। जनता परेशान है रोजगार और रोटी को लेकर,
और केंद्र सरकार परेशान है जासूसी कराने को लेकर। केंद्र सरकार को लोगों के डर से कोई मतलब नहीं, इनका अपना एजेंडा है बीजेपी का। बीजेपी अपने एजेंडे के को छोड़कर काम नहीं कर रही। एक एजेंडा होता है रोटी देने का, रोजगार देने का, महंगाई कम करने का। इनका एजेंडा है चाहे रोटी नहीं मिले, चाहे रोजगार नहीं मिले, चाहे महंगाई कितनी भी हो जाए, लेकिन हमारा एजेंडा सक्सेस होना चाहिए। इस देश में दंगे फसाद कराकर बीजेपी राजनीति करना चाहती है। आज प्रताप जी क्या रणनीति रहेगी, घेराव करने वाले हैं राजभवन का, क्या कूच करेंगे वहां तक जाएंगे? देखिए राजस्थान में हमारी सरकार है और पूरे देश में प्रोग्राम दिया है ऑल इंडिया कांग्रेस के लिए। यहाँ हम खुद सरकार में है, इसलिए राज्यपाल को ज्ञापन देंगे और आवाज उठाएंगे जासूसी कांड की सुप्रीम कोर्ट के अंडर में जांच हो, सच्चाई सामने आए। और ऑक्सीजन को लेकर इन्होंने जो बयान दिया है उस मामले में माफी मांगे, इनके खिलाफ कार्रवाई। बिल्कुल प्रताप सिंह खचरियावास, रघु शर्मा को अभी आपने सुना कि किस तरीके से कांग्रेस पूरा आक्रामक तरीके से इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रही है और लगातार अभी हम तस्वीरें देखेंगे, अभी सभा शुरू होने वाली है, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी आएंगे और उसके बाद तमाम वो नेता एक एक करके यहाँ पे अपना संबोधन देंगे और यहाँ से ठीक ये जो रास्ता जा रहा है ये राजभवन की तरफ है, सिविल लाइन फाटक के उस पार, कोशिश करेंगे वहां तक जाने की। हालांकि सरकार राजस्थान में कांग्रेस की है, लिहाजा बहुत ज्यादा जिस तरीके से कह रहे हैं कि पुलिस के साथ टकराव की स्थिति नहीं बनी, वो कोशिश रहने वाली है। और अब दूसरे लोग भी एक एक करके यहां पर हैं, महेश जोशी से भी हम बात करवाएंगे आपकी। महेश जी, लगता है प्राइवेसी देश में एक बड़ा मुद्दा बन गया है, लोगों की निजता खतरे में है। देखिए संवैधानिक संस्थाओं को तो कमजोर किया ही जा रहा था, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकारों को गिरा दी, साजिशें चल रही थी, लोगों को डराने की धमकाने की खरीद फरोख्त ये सब कार्रवाई चल रही थी। अब मीडिया हाउसेज पर भी आकर के छापे, कुल मिला के लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र कमजोर किया जा रहा है, तानाशाही को बढ़ावा दिया जा रहा है। और कांग्रेस देश जो जिसने इस देश में लोकतंत्र स्थापित किया, देश में लोकतंत्र को कमजोर नहीं होने देगी, हर संभव संघर्ष करेगी लेकिन लोकतंत्र को जिंदा रखेगी। ममता बनर्जी अपील कर रही है कि इस मुद्दे पर सभी विपक्ष को एक मंच पर आना चाहिए, केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध करना चाहिए। देखिए ये मेरे से बड़े स्तर का मामला है, लेकिन आज स्थिति है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तानाशाहपूर्ण कार्रवाई है और दूसरी तरफ समूचा विपक्ष वो सड़कों पर। आज क्या रणनीति, क्या कार्यक्रम है जी? ये हमारा प्रदर्शन है, इसके बाद राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा और मांग की जाएगी, जेपीसी जांच की मांग की जाएगी, गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की जाएगी, बहुत सारी बात लोग अपने अपने भाषणों में भी ये बातें करें। महेश जोशी जैसा बता रहे हैं, कोशिश है कांग्रेस के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी बने और निष्पक्ष जांच करवाई जाए और आज सिंबॉलिक तरीके से घेराव राजभवन का और राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा। एक बार आप जो है मैं कैमरामैन देव से भी कहूंगा उन तमाम कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दीजिए जो यहाँ पर आए हैं इस कार्यक्रम में, और पीछे भी हाथों में आप देख लीजिए जिस तरीके से मोदी प्रधानमंत्री और अमित शाह के खिलाफ जो है बैनर और होर्डिंग तैयार करके लाए हैं, इस कांड पर पूरा जो रवैया है कांग्रेस का वो कोशिश है कि आक्रामक तरीके से वो नजर आए। ये सड़कों पर उतरने की रणनीति अभी जयपुर में और आने वाले दिनों में हम इस तरह के विरोध प्रदर्शन जो है वो संभाग और जिला मुख्यालय पर भी देखने वाले हैं। बिल्कुल, यानी पूरे आक्रामक मूड में इस वक्त कांग्रेस है, जहां पर सड़क से लेकर संसद तक इस पूरे मामले को लेकर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं तस्वीरें इस तरीके से हमने आपको जयपुर में दिखाया, जहां पर राजभवन घेराव की तैयारी इस वक्त इस विरोध प्रदर्शन के जरिए जो है वो की जा रही है। सुशांत, आप नजर बनाए रखें, अपडेट के लिए आपके पास आता रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।